हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको साइन अप फॉर्म बनाना सिखाने वाला हूं HTML एंड CSS की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको साइन अप फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा HTML एंड CSS की हेल्प से। थोड़ी बहुत कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज्यादा ही कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। यहां पे जाके न्यू में जाके मैं यहां पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। फोल्डर क्रिएट मैं आप फोल्डर पे यहाँ पे कोई सा भी आप नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ दीपक, फोल्डर का नाम, ठीक है। एंड देन मैं ओके से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। एंड देन अभी आप क्या करोगे ना, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करोगे। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद एंड यहाँ पे एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे जो हमने दीपक फोल्डर नाम भी अभी जो क्रिएट की। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर करके आप फोल्डर को क्रिएट ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप फाइल में जाके यहाँ पे आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे। डेस्कटॉप में हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे दीपक यहाँ पे शो कर रहा है, तो डेस्कटॉप में हमने दीपक नाम की फोल्डर क्रिएट की थी। एंड देन इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका फोल्डर तो ओपन हो गया, ठीक है। एंड देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल एक क्रिएट करेंगे index.html की। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है प्लस बटन पे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे टाइप करना है index.html, ठीक है। एंड देन एंटर मारना है, तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HTML की एक बेसिक सी फॉर्म होती है, उसको लाने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क लाएंगे, ठीक है। एंड देन एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे तो HTML का जो एक बेसिक सा टैग है ना, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाती है, HTML की बेसिक टैग, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लाते हो और उस पर क्लिक करते हो, तो एक्सक्लेमेशन साइन ला के उस पर एंटर मारते हो तो ऑटोमेटिक ये आ जाती है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम लोग कोडिंग लिखते हैं, तो कोड करने के लिए हेड एंड बॉडी है ना, इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। हेड एंड बॉडी के अंदर, हेड बॉडी और नीचे आपको देख सकते हो, ऊपर में हेड एंड बॉडी लिखा है, नीचे में बॉडी एंड HTML लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे H1 टैग लेंगे, H1 टैग में लिखेंगे यहाँ पे हेलो दीपक, ठीक है। जैसे मैंने हेलो दीपक लिखा, अब इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ पे आप और राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे आप क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप ओपन लाइव सर्वर पर क्लिक करोगे, एक ब्राउजर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो दीपक लिख के आ गया, जो मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड में लिखा था, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एंड देन फिर विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेलो दीपक लिखा था, वहाँ पे ब्राउजर में भी सेम यहाँ पे हेलो दीपक शो कर रहा है। और ये जो ब्राउजर है ना, ये बेसिक सा हम लोग का एक फॉर्म है, ये क्रिएट हो गया है, पेज एक क्रिएट हो गया। तो इसके नीचे जो भी है ना, हम लोग साइन अप फॉर्म जो बनाएंगे इसके नीचे सारी क्रिएट होगी हेलो दीपक के नीचे में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म लेंगे, यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे एंड देन हम लोग पोस्ट वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्म क्रिएट हो गया। एंड देन यहाँ पे जो डबल एरो है ना, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ये डबल एरो जो दिख रहा है, इसके बीच में क्लिक करेंगे एंड देन फॉर्म को हम नीचे लाएंगे क्लोजिंग टैग में। एंड देन इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे इनपुट फॉर्म, देन इनपुट लिखेंगे इसके अंदर, क्लिक करेंगे, टाइप टेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे, एंड देन नेम यहाँ पे लिखेंगे, नेम में नेम ही रखेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर हम एक आईडी लेंगे, आईडी इज इक्वल टू में नेम ही रखेंगे। एंड देन प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, प्लेस होल्डर लिखेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर का क्या काम है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल कोटेशन के बीच यहाँ पे आप लिखो एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम जैसे आप लिखोगे। एंड देन इसको हम कंट्रोल जैसे सेव करते हैं, देखते हैं हम लोग ब्राउजर में क्या अभी ये फॉर्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्राउजर में हम जाएंगे सेव करने के बाद कंट्रोल एस से, एंड देन ब्राउजर में जाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्म क्रिएट हो सकता है बेसिक सा। इसमें एंटर नेम जो आ रहा है ना, ये प्लेस होल्डर में जो हमने डाला था, यहाँ पे प्लेस होल्डर में एंटर नेम डाला था, वो यहाँ पे इनपुट फॉर्म के यहाँ पे अंदर में शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्लेस होल्डर का काम होता है, ठीक है, ये फॉर्म के अंदर में ही शो करेगा। यहाँ पे लेबल नहीं दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म के अंदर ही सेम प्लेस होल्डर का काम है कि फॉर्म के अंदर ही आपका
वो शो करता है कि आप यहाँ पे ये चीज़ एंटर करो, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, और भी फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, देन इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एंड देन नीचे लाएंगे, थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे ताकि आपको देखने में समझने में ईजी हो। देन कंट्रोल भी करेंगे, एंड देन पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर ईमेल, ठीक है, एंटर ईमेल, एंटर ईमेल, एंटर ईमेल लिखे, एंड देन कंट्रोल से सेव करेंगे। एंड अभी आप देख सकते हो ब्राउजर में यहाँ पे एंटर ईमेल करके भी एक इनपुट फॉर्म बन के आ गई है, ठीक है, एंटर नेम का भी और एंटर ईमेल का भी। एंड देन अभी हम और भी फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। देन यहाँ पे हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड देन यहाँ पे फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर हम नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे इसको, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट पासवर्ड करेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, अभी मैं सही लिखता हूँ, क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। एंड इसके नीचे हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद लिखने के बाद फिर हम नीचे एक बटन क्रिएट करेंगे, देख लेते हैं कैसा हम लोगों को फॉर्म शो होता है। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउजर में जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हो इतने सारी हम लोग की इनपुट फॉर्म क्रिएट हो गई है, एंटर नेम वाली, एंटर ईमेल, क्रिएट पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड वाली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, तो विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं एंड बटन के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, BUTTON करके लिखेंगे बटन, एंड देन यहाँ पे बटन है ना, तो बटन पे एंटर मारेंगे, टाइप बटन, एंड दो एरो के बीच में ये जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो ना, बटन की कोड ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं होती है। यही कोड एडिटर का एक फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने का, आप मैनुअली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इसमें हम सबमिट लिखेंगे, ये दोनों जो एरो है ना, दोनों एरो के बीच में हम यहाँ पे ये दोनों एरो के बीच में हम यहाँ पे सबमिट लिखते हैं। इधर उधर आप लिखेंगे तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप देख लो कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बटन का सबमिट वगैरह का नहीं दिखाएगा। आप ब्राउज़र में जाओ, यहाँ पे देखो कुछ नहीं शो कर रहा ना, यहाँ रिफ्रेश भी करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा। तो सिंपली आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ और यहाँ पे दो एरो के बीच में यहाँ पे आप सबमिट लिखो, सबमिट, ठीक है। जैसे आप सबमिट लिखोगे, कंट्रोल से सेव करोगे, तो आप गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट बटन बन के आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। तो सिंपली अभी आपको क्या करना है ना, ये सारी हॉरिजेंटली शो हो रही है, इसको हमें क्या करना है, नीचे लाना है, नीचे साइड में शो हो। जैसे एंटर नेम यहाँ पे है तो एंटर नेम का नीचे एंटर ईमेल हो जाए, एंटर ईमेल के नीचे क्रिएट पासवर्ड आ जाए, क्रिएट पासवर्ड के नीचे कन्फर्म पासवर्ड आ जाए, तो और सबसे नीचे सबमिट बटन आ जाए, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ों का करते हैं। तो सिंपली बहुत ही ईजी है, तो सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे BR टैग ऐड कर देंगे। तो BR टैग ऐड हो गया, फिर यहाँ पे एक और BR टैग ऐड करेंगे, यहाँ पे भी BR टैग ऐड करेंगे और यहाँ पर भी BR टैग ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे बटन के पास BR टैग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। BR टैग ऐड करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे, एंड देन गाइज आप देख सकते हो ये पूरी जो फॉर्म हमने बनाई थी, ये पुट फॉर्म, वो वर्टिकली शो हो रही है नीचे साइड में, ठीक है, वन बाई वन करके नीचे साइड में शो हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, पेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से एक डिजाइन करेंगे ताकि जो जो हम लोग का साइन अप फॉर्म बने वो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और यहाँ पे हमें कोड जो होता है ना स्टाइल अप करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत होती है, कलर वगैरह ऐड करने के लिए, टेक्स्ट फॉन्ट कलर सेट करने के लिए, फॉन्ट साइज सेट करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत होती है। CSS की हेल्प से हम सब कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिंक करना होता है और CSS, तो लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक CSS का ऑप्शन आएगा, तो लिंक CSS पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टाइल डॉट CSS आ जाएगा, ठीक है। तो इसी नाम से आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, style.css, ठीक है, एंड देन एंटर मारेंगे तो आपकी ये style.css की
फाइल क्रिएट हो गई है एंड इसी फाइल में हम कोडिंग करेंगे पेज को स्टाइल करने के लिए, साइन ऑफ फॉर्म को, साइन ऑफ फॉर्म वाली पेज को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, बॉडी, ठीक है, एंड देन बॉडी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं रेड, ठीक है, रेड लेते हैं, देन एंटर मारते हैं एंड देन कंट्रोल एस सेव करते हैं एंड देन ब्राउज़र में जाते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने जो लिंक की थे ना CSS वाली फाइल को वहाँ पे हमने सेव नहीं किया था उसको। तो सिंपली जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे index.html में जाएंगे एंड इसमें यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे एंड देन अभी ब्राउजर में आप जाओगे ना, देन देखो आपका कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गई है पूरी। एंड अभी हम क्या करेंगे, इस ये जो फॉर्म हमने इनपुट फॉर्म क्रिएट किया था ना, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड वाली को, इसको हम सेंटर में लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखना होगा उसके लिए भी, देन चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और एंड style.css में आएंगे। style.css में आने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे हम फॉर्म की मार्जिन सेट करेंगे। तो फॉर्म की मार्जिन हम ले लेते हैं 120px एंड यहाँ पे ऑटो मार्जिन कर देते हैं कि चारों साइड से अच्छी से दिखे एंड देन कंट्रोल से सेव करते हैं एंड अभी आप देखो गाइस ब्राउज़र में जाते हैं, देखो इतनी मार्जिन आ गई, पहले यहाँ पे शो हो रही थी, इतनी मार्जिन आ गई। अभी हम इसको सेंटर में लाएंगे, ठीक है, इनपुट फॉर्म को हम सेंटर में लाएंगे। तो चलो इसके लिए भी कोड लिखनी होगी, तो गाइस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देन यहाँ पे हम पैडिंग लिखते हैं, पैडिंग देते हैं 50, ठीक है, ताकि फॉर्म की पैडिंग सेट हो जाए। यहाँ पे हम पैडिंग 50% देते हैं, ठीक है, एंड देन एंटर मारते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउज़र में देखते हैं क्या शो हो रहा है। और ये पेज तो पूरी नीचे ही आ गई, ठीक है, तो पैडिंग ज़्यादा हो गई, तो पैडिंग हम क्या करेंगे px में देंगे, परसेंटेज में ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में style.css में, यहाँ पे पैडिंग हम परसेंटेज में हटा के यहाँ पे हम px देंगे, ठीक है, px पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर देंगे एंड देन कंट्रोल से सेव करेंगे एंड अभी आप जाओ ब्राउज़र में एंड देखो यहाँ पे अभी शो हो रही है, ठीक है। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, फॉर्म की ना विड्थ सेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्म की विड्थ सेट करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर करेंगे ना, तो हमारी फॉर्म सेंटर में आ जाएगी, कंट्रोल एस करेंगे एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारी फॉर्म जो है इनपुट फॉर्म, ये पूरी सेंटर में आ गई है। कभी कभी ये यहाँ पर नहीं आती, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे ना तो आ जाएगी सेंटर में, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते रहना है आपको, ताकि जो भी अपडेट यहाँ से करें ना विजुअल स्टूडियो कोड से ब्राउज़र में आपकी शो हो। तो चलो वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं एंड फॉर्म की जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं फॉर्म की वाइट करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट रखते हैं एंड देन एंटर मारते हैं, कंट्रोल इसे सेव करेंगे एंड अभी हम ब्राउज़र में देखते हैं जाके। सो गाइस आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया है फॉर्म की, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर है ना पूरी शो हो रही है, विद में शो हो रही है, यानी कि पूरी डिस्प्ले में शो हो रही है। तो अभी हम इसकी विद को कम करेंगे, ठीक है, फॉर्म की विद को कम करेंगे, उसके लिए जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देन फिर अभी हम यहाँ पे फॉर्म की विद सेट करेंगे। तो फॉर्म की विद हम 30% करते हैं, ताकि फॉर्म थोड़ी अच्छी दिखे, 30% फॉर्म की विद हमने सेट कर दी एंड देन अभी जाएंगे ब्राउज़र में एंड देन गाइस आप देख सकते हो फॉर्म अभी कुछ अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेलो दीपक लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग साइन अप ऐड करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो जाएंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे index.html फाइल में जाएंगे एंड h1 टैग करके हेलो दीपक लिखा हुआ है ना, इसको पूरी को डिलीट करेंगे, h1 टैग के साथ डिलीट करेंगे एंड देन डिलीट करने के बाद हम लोग फॉर्म के अंदर में यहाँ पे h1 टैग पे क्लिक करना है एंड h1 टैग ऐड करना है। h1 टैग के अंदर में लिखेंगे हम लोग साइन अप लिखेंगे, h1 टैग के बीच में लिखेंगे साइन अप, इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउजर में अभी जाके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट फॉर्म को डिजाइन करेंगे, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना आप देख रहे हो ना, इसको हम डिजाइन करेंगे। तो सिंपली चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में
एंड देन अभी हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं एंड देन अभी हम इनपुट फॉर्म को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट लिखने के बाद सबसे पहले हम मार्जिन देते हैं फॉर्म की, मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5px देते हैं, मार्जिन 5px सेट कर दिया हमने। आप देख सकते हो सेट करने के बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में, पहले सेव कर लेते हैं इसको, हाँ पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोलर से सेव करेंगे एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन हमारी, पहले यहाँ पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं थी, ठीक है। तो अभी हम मार्जिन यहाँ पे देख सकते हो, नहीं मार्जिन शो हो रही है। जैसे आप 5px हटाओगे ना यहाँ से, मार्जिन 5px को आप डिलीट ही कर दो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कितनी मार्जिन आएगी, बिल्कुल ही मार्जिन कम हो जाएगी। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं, देख सकते हो ना अभी गैप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे सीधे इसको क्लोज करते हैं, ओपन हो गया। सो तो अभी हम यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन का क्या काम है आप समझ गया ना। तो यहाँ पे हम मार्जिन लिखेंगे, क्या हो रहा है इसको हम कंट्रोल जैसे डिलीट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन। सॉरी ये क्या ओपन हो गया, वन सेकेंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, मार्जिन वन सेकेंड कुछ एरर हो गया, ठीक है मार्जिन देन एंटर, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 5px, ठीक है। कंट्रोल एस एंड देन ब्राउज़र में जाते हैं, कंट्रोल एस सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे एंड आप देखे वो इतना गैप आ गया, ठीक है। अभी हम फॉर्म की इनपुट फॉर्म के ना इनपुट में विड्थ सेट करेंगे, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इनपुट फॉर्म की जो विड्थ है ना, ये जो ये ब्लू कलर की आ रही है थोड़ी कम है, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसको इंक्रीज करने के लिए कोड लिखना होता है, विद हम लिखेंगे विद, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे हम विद लिखेंगे 60%, ठीक है। 80% भी आप देख सकते हो विद एंड कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे। सॉरी ये विद सेट नहीं हो रही, वन सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लिखा इसलिए नहीं सॉरी थी, ठीक है। परसेंटेज लिखेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन अभी हम जाएंगे ब्राउज़र में। सो गाइज आप देख सकते हो विद सेट हो गई है, लेकिन ये जो विद है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं हम 60% दे देते हैं विद को, 70 देते हैं विद एंड देन कंट्रोल से सेव करते हैं एंड देन ब्राउज़र में जाते हैं सेव करने के बाद, ठीक है। अभी फॉर्म कुछ अच्छी दिख रही है, इनपुट फॉर्म अच्छी दिख रही है अभी, ठीक है 70% ही रखते हैं एंड देन अभी क्या करोगे ना, बॉक्स की पैडिंग दोगे। पैडिंग देने से क्या होता है ना मैं बताता हूँ आपको, पैडिंग देंगे ना तो ये जो बॉक्स की जो साइज है ना ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है चारों साइड से। तो जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे पैडिंग देते हैं 5px की, पैडिंग 5px, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन अभी जाते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं, देखो अभी बॉक्स की जो साइज इंक्रीज होगी ना, ठीक है। अभी क्या है ना बटन थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, तो बटन को हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कोड लिखना होगा, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देन सबसे पहले index.html में हमें बटन की ID देनी होती है, इसके बाद हम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ID इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर में हम लिखेंगे बटन, ठीक है बटन एंड देन कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे एंड देन जाएंगे style.css में एंड देन इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, हैशटैग बटन लिखेंगे, क्योंकि हमने ID बटन लिखा था इसलिए हम यहाँ पे हैश लगाएंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे बटन एंड देन ओपन ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे बटन की मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन का क्या काम होता है, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे जो ये जो कंफर्म पासवर्ड और ये सबमिट के बीच में यहाँ पे जो गैप है ना, यहाँ पे आप गैप देख रहे हो ना, ये इंक्रीज हो जाएगी, गैप बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी गैप है तो वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप सबमिट, ये कंफर्म पासवर्ड और सबमिट के बीच में ये जो गैप है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गैप है, ये थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी गैप मार्जिन देने से। तो चलो हम मार्जिन यहाँ पे देते हैं 5px की, ठीक है। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ मार्जिन 5px, 5px की मार्जिन देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड देन ब्राउज़र में जाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे आ गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है एंड देन अभी हम क्या करेंगे, देख सकते हो सबमिट बटन की मार्जिन इंक्रीज हो गई है एंड देन सबमिट बटन को डिज़ाइन करते हैं
कलर वगैरह चेंज करेंगे, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं बटन की। विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, विड्थ हम रखते हैं बटन की 15%, ठीक है। यहाँ पे परसेंट, वन सेकेंड, हाँ परसेंट, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन जाते हैं ब्राउज़र में। सेव करने के बाद आप देख सकते हो बटन की विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। बटन अगर विद हम 20% करें तो देखते हैं, 20% करके बटन की विद, ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे सेव करने के बाद, तो देख सकते हो बटन की विद बढ़ गई है, ठीक है। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, पैडिंग डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। पैडिंग जानते हो ना, बॉक्स के अंदर की साइज़ बढ़ जाती है बॉक्स की, तो पैडिंग यहाँ पर हम 5 रख सकते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन अभी आप देख सकते हो बटन की जो साइज़ है अभी अच्छी दिख रही है, ठीक है। बटन की जो समित बटन के अंदर की जो बॉक्स की साइज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई है पैडिंग देने से। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, कलर चेंज करते हैं। तो सिंपली हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देन यहाँ पे हम जो कलर है ना, तो कलर लिखेंगे जो टेक्स्ट कलर है, कलर लिखेंगे इसको वाइट रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर वाइट, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन ब्राउज़र में जाएंगे, तो आप देखिए वाइट हो गया, बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो अब इसका हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखते हैं, तो चलिए बैकग्राउंड कलर इसकी हम सेट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। ग्रीन क्लिक किया हमने, ग्रीन सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल से सेव करेंगे। कंट्रोल से सेव करने के बाद जाएंगे ब्राउजर में, तो गाइज आप देख सकते हो सबमिट बटन बिल्कुल ग्रीन कलर की आ गई है। एंड देन अभी हम क्या करेंगे ना, सबमिट बटन की जो चारों कॉर्नर है ना, ये थोड़ी नुकीले टाइप के देख रहे हैं, तो इसे हम बैंड करेंगे, ठीक है, कॉर्नर को। तो इसके कॉर्नर को बैंड करने के लिए मैं, इसके लिए कोड होता है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम 10px करेंगे। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ गया, बॉर्डर रेडियस सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर रेडियस हम करेंगे 5px, ठीक है, 5px करेंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन जाते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं। हाँ तो गाइज आप देख सकते हो अभी जो बैंड थी ना कॉर्नर चारों, थोड़ी सी बैंड हुई है नुकीले कॉर्नर्स। एंड देन थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं ना बॉर्डर रेडियस, 10px रखते हैं, तो यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस रखते हैं 10px, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड देन अभी आप देख सकते हो बटन कुछ अच्छी दिखने में लग रही है बॉर्डर रेडियस थोड़ी और 10px करने के बाद। सो गाइज ऐसे आप फॉर्म को आप क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो कितनी मस्त दिख रही है फॉर्म। सो गाइज इसकी भी आप जो इनपुट फॉर्म है ना, इसकी भी आप बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस सेट करने के लिए आप सिंपली जाओगे विजुअल स्टूडियो कोड में, इनपुट में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस आप डाल दो 5px, बॉर्डर रेडियस 5px, ठीक है। आप कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड देन जाते हैं ब्राउज़र में, आप देखो इसकी भी बॉर्डर रेडियस अभी चेंज हो गया है, देख सकते हो गाइस कितनी मस्त लग रही है देखने में। एंड देन बॉर्डर रेडियस 5px है ना, 5px से थोड़ी घटाते हैं हम, 3px करते हैं इनपुट वाली फॉर्म की, 3px बॉर्डर रेडियस करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड देन अभी जाते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं। हाँ अभी थोड़ी देखने में अच्छी लग रही है 3px, यहाँ से आप रिफ्रेश करते रहो ताकि जो चेंजेस हो ना बहुत ही ईजिली अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। सो गाइज अब ऐसे जो है ना फॉर्म को आप क्रिएट कर सकते हो, साइन अप फॉर्म को। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है ना, यहाँ पर भी नुकीले चारों कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो इसको भी हम बॉर्डर रेडियस के द्वारा बैंड कर सकते हैं। हाँ तो चलिए बॉर्डर रेडियस में बैंड करते हैं फॉर्म को। तो फॉर्म में आपको जाना है, यहाँ पे फॉर्म में आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है बॉर्डर रेडियस 10px, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10px। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड देन जाएंगे सेव करने के बाद ब्राउज़र में, आप देख सकते हो बैंड हो गई ना चारों कॉर्नर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप चारों कॉर्नर्स यहाँ पे बैंड हो गई फॉर्म की यहाँ पे, ठीक है। एंड देन सो गाइज ऐसे आप फॉर्म को आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आप ना ये जो दिख रहे हैं ना ये ब्लू कलर की यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है, इसकी भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म पे, तो इनपुट फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ ना ऊपर नीचे, तो ये वाली भी आप कलर को चेंज कर सकते हो। उसके लिए भी कोडिंग आती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड इसकी मैं आपको बैकएंड बनाना सिखा दूंगा कि अगर आप कोई यहाँ पे नेम एंटर कर रहे हो, ईमेल एंटर कर रहे हो, पासवर्ड एंटर कर रहे हो,
एंड देन कंफर्म पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, सबमिट करने के बाद जो डाटा जाती है ना वो कहाँ जाती है बैकएंड में, तो वो सारा चीज़ मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बैकएंड बनाना सिखा दूंगा इसकी। सो गाइज चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में ऐसी वीडियोस लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।